फ्रेंड्स, मैं विद्या विष्णु पब्लिक स्पीकर आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है फोरक्लिफ्ट सेफ्टी रूल्स। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और इस टीम का मेंबर बने और सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस हासिल करें और शेयर करें इस चैनल को अपने सभी दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो आज हम जानने वाले हैं फोरक्लिफ्ट के बारे में। तो पहले देखते हैं ये फोरक्लिफ्ट क्या है। अ व्हीकल विद अ प्रॉन्ग डिवाइस इन फ्रंट ऑफ लिफ्टिंग एंड कैरिंग हैवी लोड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। प्रॉन्ग डिवाइस मीन्स दांतों वाली उपकरण या डिवाइस। तो मतलब ऐसी व्हीकल जो लिफ्टिंग उठाने के लिए और कैरिंग ले जाने के लिए हो हैवी लोड को, जिससे वर्कर को उठाने में मुश्किल हो और जो वर्कर का काम आसान कर दे, तो उसे कहते हैं फोरक्लिफ्ट। और इसे लिफ्ट ट्रक, जितनी फोर्क ट्रक, फोर्क हॉइस्ट एंड फोरक्लिफ्ट ट्रक भी कहते हैं। फोरक्लिफ्ट बहुत एक्सेलेंट लेबर सेविंग डिवाइस है। मिस जहां आपको 10 से 20 लेबर चाहिए होगा, वहां ये आसानी से काम कर लेती है, वर्क कर लेती है। और ये टाइम सेविंग भी होती है और ये इंजरी को रिड्यूस भी करती है, कम भी करती है। जैसे अगर वर्कर मैनुअल मेटेरियल्स हैंडलिंग की जो एक्टिविटी करता है, उससे होने वाले इंजरी का रिस्क कम कर देता है। हालांकि ये फोरक्लिफ्ट बहुत डेंजरस है अगर वर्कर लापरवाह या अनट्रेन, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो। तो हमें इस रिस्क को कम करने के लिए जो ऑपरेटर है उसे ट्रेनिंग देनी है और उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए और वो लापरवाह ना हो, क्योंकि फोरक्लिफ्ट एक्सीडेंट जो है बहुत ही डेंजरस होता है, जिससे पर्सनल इंजरी के साथ साथ प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। तो ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए ऑपरेटर को कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है और फोरक्लिफ्ट सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। और हमेशा ये याद रखे, ऑपरेटर तब तक ना ऑपरेट करे जब तक उसे प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिली हो और वो ऑथराइज ना हो। अब हम देखते हैं 10 कॉमन सेफ्टी रूल्स जब एक फोरक्लिफ्ट ऑपरेशन में हो तब। नंबर 1, यूज द सीट बेल्ट, इट विल कीप यू सिक्योर इन द सीट इन द अनप्लान्ड इवेंट ऑफ अ टिप ओवर। हमेशा सीट बेल्ट लगाएं, इससे आप हमेशा सीट में सिक्योर रहोगे जब अनप्लान्ड इवेंट होता है, मिस ऐसी घटना जो आपने सोची नहीं हो। नंबर 2, अ पार्क्ड फोरक्लिफ्ट शुड हैव द फोर्स फ्लैट ऑन द फ्लोर विद द कंट्रोल सेट टू न्यूट्रल एंड विद द पार्किंग ब्रेक सेट। एक पार्क की गई फोरक्लिफ्ट को ऐसे फ्लोर पे पार्क करें जिससे उठाने वाला जो फोर्क है, जो नोखिला चीज़ होता है जिससे उठती है, वो सतह पर रहे, ग्रिप में रहे और उसके साथ में उसका जो कंट्रोल है वो न्यूट्रल में रहे और उसके साथ ही ब्रेक सेट हो प्रॉपर। नंबर 3, अ फोरक्लिफ्ट इज कंसिडर्ड टू बी अनअटेंडेड इफ़ द ऑपरेटर इज मोर देन 20 फीट अवे। अगर ऑपरेटर 20 फीट से दूर हो फोरक्लिफ्ट से, तो उसे अनअटेंडेड माना जाता है। अनअटेंडेड मीन्स जो ऑपरेटर हो उसका वो फोरक्लिफ्ट पे ना हो। और इफ़ द फोरक्लिफ्ट इज आउट ऑफ द डायरेक्ट विजन ऑफ द ऑपरेटर, अनअटेंडेड फोरक्लिफ्ट शुड बी पार्क्ड विद द पावर टर्न ऑफ। मीन्स किसी भी जगह या प्लेस से ऑपरेटर दिखता नहीं हो प्रॉपर बैठा हुआ फोरक्लिफ्ट पर, तो उसे भी अनअटेंडेड ही माना जाता है। और ऐसी अनअटेंडेड फोरक्लिफ्ट को पार्क्ड कर देना चाहिए और उसका पावर ऑफ भी कर देना चाहिए। नंबर 4, व्हेन ऑपरेटिंग द फोरक्लिफ्ट ऑन इंक्लिन्स, द लोड शुड ऑलवेज बी ऑन द अपहिल साइड ऑफ द इंक्लिन्स, ड्राइव फॉरवर्ड गोइंग अप द इंक्लिन्स, ड्राइव बैकवर्ड गोइंग डाउन द इंक्लिन्स। जब ऑपरेटर फोरक्लिफ्ट चलाता है इंक्लिन्स पर, तब आप जैसा फोटो देख रहे हो, लोड हो तो अप साइड रखें और एम्प्टी हो तो डाउन साइड रखें इंक्लिन्स के। नंबर 5, व्हेन ट्रेवलिंग विदाउट अ लोड ऑन द फोर्स, कीप द फोर्स अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 inches ऑफ द फ्लोर। जब फोरक्लिफ्ट मूवमेंट हो रही हो बिना लोड के, तो फोर्स को कम से कम 4 to 6 inches ऊपर रखे फ्लोर से। नंबर 6, नेवर अलाउ एनीवन टू वॉक अंडरनेथ अ राइज्ड लोड। कभी भी किसी वर्कर या किसी व्यक्ति को फोर्स के नीचे नहीं अलाउ करे जाने। नंबर 7, स्टॉप ऑल द ब्लाइंड कॉर्नर्स टू चेक फॉर द अदर ट्रैफिक इन द एरिया, दिस इंक्लूड्स अदर फोरक्लिफ्ट्स एंड पेडेस्ट्रियंस। हॉन्क योर हॉर्न एंड लुक बिफोर यू प्रोसीड। जहां आप फोरक्लिफ्ट यूज़ करना चाहते हो, वहां पहले चेक करें सारे रूल्स को, चाहे वो फोरक्लिफ्ट के हो या फिर पेडेस्ट्रियन के लिए। आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर ध्यान दें और ज़रूरत पड़ने पर हॉर्न बजाएं। नंबर 8, इफ़ कैरिंग अ टॉल लोड डेट ब्लॉक्स योर फॉरवर्ड विजन, ड्राइव इन रिवर्स एंड टर्न योर हेड सो यू कैन ईजिली सी वेयर यू आर गोइंग। अगर आप हैवी लोड कैरी कर रहे हो, तो इस फोटो में जैसा बताया गया है सेम ऐसा करें, जिससे एक्सीडेंट होने का चांस कम हो जाता है। लोड को आगे की तरफ कर लें और ड्राइव करें रिवर्स की तरफ में। नंबर 9, इफ़ ऑपरेटिंग अराउंड अदर फोरक्लिफ्ट, मेंटेन अ 3-4 क्लिफ लेंथ डिस्टेंस बिटवीन फोरक्लिफ्ट एंड नेवर अटेम्प्ट पासिंग।
अगर जहाँ आप फोर्कलिफ्ट यूज़ कर रहे हो वहाँ पर और भी फोर्कलिफ्ट मौजूद है, तो आप दूसरे फोर्कलिफ्ट से ऐसे दूरी बनाएं जैसे 3 फोर्कलिफ्ट का डिस्टेंस हो, और कभी भी आप आसपास होने का प्रयास ना करें। नंबर 10, नेवर ड्राइव अ फोर्कलिफ्ट अप टू द बैक ऑफ अ पर्सन हु इज अनअवेयर डेट द फोर्कलिफ्ट इज बिहाइंड देम। कभी भी एक फोर्कलिफ्ट को ऐसे ना ड्राइव करें जो एक पर्सन के पीछे हो और उस पर्सन को पता भी ना हो कि फोर्कलिफ्ट उसके पीछे है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना है और अपनी साइट को सेफली कंप्लीट करना है, और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बी द बेस्ट को।